मेरा चैनल सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब की रेड बटन दबाए, बाद में आपको एक घंटी मिलेगी, उस घंटी को दबाए ताकि आपको मेरे चैनल के नोटिफिकेशन मिलते रहे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्नेहा लाइफस्टाइल। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको मकर संक्रांति और होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो एज आई बिलोंग टू महाराष्ट्र, तो मैंने सोचा कि मकर संक्रांति के इस पावन अवसर पर मैं एक महाराष्ट्रियन लुक, जो कि महाराष्ट्रियन मराठी लुक क्रिएट करूं, मेकअप लुक क्रिएट करूं। आई होप आपको ये मेकअप लुक पसंद आए, मेरा ये महाराष्ट्रियन मेकअप लुक। अगर आपको ये मेकअप लुक थोड़ा भी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और कमेंट करना तो मत भूलिए। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग कमेंट करते हो, इतनी अच्छे अच्छे कमेंट करते हो, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और लाइक भी कीजिए, जिससे कि मुझे और भी इंस्पायरेशन मिलता है कि मैं और अच्छे अच्छे वीडियोज़ बनाऊँ। और अगर आप नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए देखते हैं कि मैंने ये वाला महाराष्ट्रियन लुक कैसे क्रिएट किया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने साड़ी और अपनी ज्वेलरी पहन ली है, तो मैंने अपना फेस वॉश किया है और मॉइस्चराइज़र भी लगाया है। मैंने प्लम का मॉइस्चराइज़र लगाया है यहाँ पे। अब बारी है प्राइमर की। प्राइमर लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है। प्राइमर से आपकी जो बेस है, आपको मेकअप को एक स्मूथ फिनिश मिलती है, तो प्राइमर लगाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो मैंने ये इस साइड का प्राइमर है, वो मैंने पूरे अपने फेस पर लगा दिया है। अच्छे से आप अपने फेस पर, पूरे फेस पर प्राइमर लगा लीजिए अच्छे से। आपको स्टार्टिंग पहले मॉइस्चराइजर से, फिर प्राइमर, उसके बाद मैं लगाने जा रही हूँ फाउंडेशन। फाउंडेशन के लिए मेरे पास टू ऑप्शन है। पहले है मेबेलन का फिट मी फाउंडेशन और दूसरा है ओरियो का मेकअप स्टिक। वो दोनों भी बहुत अच्छे हैं, पर मैं आज लगाऊंगी ओरियो का मेकअप स्टिक, क्योंकि ये एज अ कंसीलर और फाउंडेशन दोनों भी अच्छे से वर्क करता है। तो मैं आज ओरियो का मेकअप स्टिक ही लगाऊंगी। आप अपने नेक पर ही लगाना मत भूलिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैंने ये डैम्प स्पॉन्ज लिया है, और डैम्प स्पॉन्ज से मैं अपना पूरा मेकअप ब्लेंड करूंगी अच्छे से। पहले से ऐसे पोछना नहीं है आपको, डैम्प करना है, ताकि आपका मेकअप अच्छे से ही वहाँ पे सेट हो जाए। तो एक डैम्प यानी आप एक काम कीजिए, आप पानी में थोड़ा वो स्पॉन्ज भिगोकर निचोड़ दीजिए, और फिर ऐसे स्पॉन्ज से आपको अपना फाउंडेशन ब्लेंड करना है, तो आपका फाउंडेशन बहुत अच्छी तरह से ब्लेंड होगा। तो मैंने अपना फाउंडेशन ब्लेंड किया है, और मैं अपने आँखों के नीचे जो भी मुझको डार्क एरिया लगता है, मैं वहाँ पे ये ओलिव का मेकअप स्टिक फिर से लगाऊंगी एज अ कंसीलर, और फिर से वो उसको अच्छी तरह से ब्लेंड कर दूंगी अपने मुंह के अराउंड भी। माउथ के अराउंड के भी थोड़ा ब्लैक होता है, तो आप वहाँ भी कंसीलर लगा लीजिए। और मैं अपने आई लिड पर भी कंसीलर लगा रही हूँ, क्योंकि मैं आई मेकअप करने वाली हूँ, तो उसका बेस अच्छा होना चाहिए। तो आप एज अ कंसीलर वहाँ पर अपने आईलिड पर अच्छे से कंसीलर लगा लीजिए, और अपने कान पे भी थोड़ा जो बचा हुआ है स्पॉन्ज पर, उसे अपने कान पर भी लगा लीजिए, तो कि वो मिसमैच ना करे। इसके बाद आपको अपना ये फाउंडेशन सेट करना है। सेट करने के लिए आपको एक तो लूज पाउडर यूज़ कर सकते हो, या फिर कॉम्पैक्ट यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पर कॉम्पैक्ट यूज़ कर रही हूँ कलर बॉक्स का। तो अच्छे से अपना मेकअप कॉम्पैक्ट पाउडर से
सेट कीजिए इस तरह से अच्छे से डैब, ऐसे डैब डैब करके। आपको पोछना नहीं है, पोछना नहीं है, नहीं तो आपका मेकअप पैची लगेगा। तो आपको अच्छे से अपना डैब डैब करके मेकअप सेट करना है, जो भी आपने फाउंडेशन लगाया उसे कॉम्पैक्ट पाउडर से सेट करना है। उसके बाद बारी आती है काउंटर, हाँ उसके बाद बारी आती है ब्लश लगाने की और काउंटर करने की और हाईलाइट करने की। ये मेरा ऑल इन वन काउंटर एंड ब्लश पैलेट है सिवाना का। तो मैं सबसे पहले अपने चिक्स को काउंटर करूँगी, क्योंकि काउंटरिंग से क्या होता है, आपका फेस बहुत ही यू नो स्कल्पलेट लगता है, क्योंकि फाउंडेशन लगाने के बाद बहुत ही यू नो फेस फेस बहुत ही प्लेन हो जाता है। तो आपको अपनी चीक बोन पे इस तरह से यू नो मुकर करके आपको काउंटर करना है। तो इससे आपके यू नो चीक बोन थोड़े स्लिम लगेंगे और एक डेफिनेशन आएंगे आपके फेस को। तो इस तरह से पहले आप थोड़ा काउंटरिंग कर लीजिए। मैं नोज को भी काउंटरिंग कर रही हूँ, क्या ताकि आपकी नोज भी शार्प दिखे, अच्छी दिखे। तो ऐसे में अपनी नोज को भी थोड़ा काउंटर करिए अच्छी तरह, और काउंटर करने से अच्छी तरह से ब्लेंड कीजिए। ब्रश ब्रश के हिसाब से अच्छे ब्लेंड करना बहुत जरूरी है, कोई भी हार्श लाइन नहीं होनी चाहिए, नहीं तो ऐसा लगेगा यू नो बहुत ही हार्श लगेगा, तो वो लाइंस दिखाई देगी, तो वो लाइंस नहीं दिखनी चाहिए। अच्छी तरह से ब्लेंड कीजिए, ये पाउडर काउंटर है। तो उसके बाद बारी आती है ब्लश की। तो मैंने ये ब्लश का ब्रश लिया है और मैंने अपनी गालों के चिकबोन अपनी चिकबोन पर मैंने ब्रश लगाया है। थोड़ा स्माइल करके इसको लगाना है इस तरह से, ये आपकी यू नो चीक को एक नेचुरल लुक देगा, एक ब्लशी लुक देगा, तो काफ़ी अच्छा लगता है। उसके बाद आपको करना है हाईलाइट, मैं हाईलाइटर लूँगी और अपने वो जो मैंने ब्लश किया उसके ऊपर थोड़ा हाईलाइटर लगा लूँगी, ताकि आपके चेहरे पर थोड़ा ग्लो दिखे। तो इस तरह से थोड़ा ओठों के ऊपर क्यूपिड पे इस तरह से आपको हाईलाइट करना है। अब मैं लगाऊंगी लिप बाम, क्योंकि ओठों को मॉइस्चराइज करना भी बहुत ज़रूरी है, तो मैंने लिप बाम यहाँ पर लगाया। अब मैं जाऊंगी आई मेकअप पे। तो मैंने ये अपना आई शेडो पैलेट लिया है और मैं अपनी जो साड़ी है, मैंने जो साड़ी पहनी उस हिसाब से ही मैं अपना आई मेकअप कर लूँगी, कलर जो यू नो चॉइस कर लूँगी। तो पहले मैंने ये कलर लिया है और उसे मैं अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ अपनी आईज की क्रीज एरिया पे। क्रीज एरिया पे यू नो ब्लेंड करना बहुत ज़रूरी है। आई शेडो कभी भी इन लगा कर छोड़ना नहीं चाहिए, आपको अच्छे से ब्लेंड करना चाहिए, ताकि वो आपकी आईज और खुल के आए, आपके जो भी क्रीज एरिया है जहाँ पे आईज बंद खुलती है वहाँ पर अच्छी तरह से ये कलर मैं ब्लेंड कर रही हूँ। मैं ज़्यादा हेवी आई मेकअप नहीं रख रही हूँ, पर जो भी है कर आप। हाँ, इसके बाद मैं ले रही हूँ गोल्ड आई शेडो, क्योंकि मेरे साड़ी में थोड़ा गोल्ड कलर है, तो मैं गोल्ड आई शेडो लेकर अपने आईलिड्स पे लगा रही हूँ, दोनों आईलिड्स पे अच्छे से लगा रही हूँ। इसे ज़्यादा ब्लेंड करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ लगाना ही है, क्योंकि ये मैं आईलिड का एरिया है, तो मैं थोड़ा अपने आईलिड पर लगा रही हूँ इस तरह से। तो मैंने आई शेडो लगा लिया है। अब मैं इसी आई शेडो पैलेट से एक ब्लैक कलर लूँगी और अपने ब्रोज को भी फिल कर लूँगी इस तरह से। ब्रोज को मैं कोई ऐसे यू नो सिंपल ही रख रही हूँ, सिर्फ उसको थोड़ा सा डेफिनेशन देने के लिए अपने ब्रोज को हल्के से फिल कर रही हूँ आई शेडो से। मैं यू नो जो शुरुआत होती है आईब्रोज की, मैं शुरू यू नो शुरू से नहीं करती, बल्कि एंड पॉइंट से शुरू पॉइंट तक आती हूँ। थोड़ा सा ब्रश के लीजिए, ब्रश कीजिए अपने आईब्रोज को, ताकि जो भी आपने आई शेडो लगाया वो इवनली स्प्रेड हो जाए, ज़्यादा हार्श ना देखे। उसके बाद बारी आती है आईलाइनर की। तो मैं यहाँ पर पेंसिल आईलाइनर यूज कर रही हूँ। तो मैंने आईलाइनर लगा लिया है, पेंसिल आईलाइनर, और उसके बाद मैं लगाऊंगी मस्कारा।
मस्कारा भी बहुत अच्छा है, आपके आईज खुल यू नो आपकी जो भी पलके है इसको वो खोल देता है और बहुत अच्छा लगता है, तो मस्कारा तो मस्ट है। तो अच्छे से आप अपना मस्कारा लगा लीजिए, मैं यहाँ पर मैं अपना मस्कारा लगा रही हूँ। अच्छे से लगा लीजिए अपना मस्कारा और लोअर लैश लाइन को भी थोड़ा थोड़ा मस्कारा लगा लीजिए, इससे और भी आईज अच्छी दिखती है। हल्के हल्के से अपने लोअर वाटर लाइन पे सॉरी लैश लाइन पे लैशेज पे आप मस्कारा लगा लीजिए। उसके बाद मैं लूंगी थोड़ा सा ब्लैक आई शेडो और अपने लोअर लाइन वाटर लाइन पे थोड़ा सा हल्का सा उसे लगा लूंगी। इसे आईज ज़्यादा आर्टिफिशियल लुक नहीं आता आईज पे काजल लगाने के बाद। अब मैं लगाऊंगी काजल, मैं हल्का सा ही काजल लगाऊंगी, ज़्यादा डार्क नहीं करने वाली हूँ, हल्का हल्का सा ही लगा रही हूँ लोअर वाटर लाइन पे, और थोड़ा सा स्मज कर दूंगी ताकि वो नेचुरल लगे ना कि हार्श लगे। आप अगर आप आपको जो जैसा लगता है वैसा लगता है, मैं ऐसा ही रखती हूँ ताकि क्योंकि मेरी आँखें थोड़ी छोटी है तो इससे भी वो बड़ी दिखती है और थोड़ा आई मेकअप भी अच्छा दिखता है। अब मैं अपनी इनर कॉर्नर पे आईज की इनर कॉर्नर पर थोड़ा सा शिमरी आई शेडो लगा रही हूँ, इससे आपके आईज थोड़े ब्राइट दिखेंगी। तो थोड़ा ये शिमरी आई शेडो मैं अपनी आईज के कॉर्नर पे लगा रही हूँ। उसके बाद मैं लगा रही हूँ अपनी बिंदी, वो है चंद्रकोर बिंदी, क्योंकि महाराष्ट्र लुक में ये बिंदी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चंद्रकोर बिंदी। तो मैंने अपनी चंद्रकोर बिंदी भी लगा ली है। अब बारी आती है लिप्स की, तो मैं अपने लिप्स को लिप लाइनर से कर ली हूँ, आउटलाइन कर रही हूँ। अच्छे से आप अपनी लिप्स को आउटलाइन कीजिए, क्योंकि आउटलाइन करने के बाद आपके लिप्स बहुत ही अच्छे दिखते हैं, उनको एक रेफिनेशन आता है। तो आप अच्छे से अपनी लिप्स को आउटर लाइन कीजिए लिप लाइनर से। तो मैं उस आईलाइनर से अपने लिप्स को भी भर लूंगी हल्का हल्का सा। तो इस तरह से मैं आईलाइनर से अपनी लिप्स को भर भर रही हूँ। उसके बाद मैं लिपस्टिक लूंगी, ये है कलर बॉक्स लिपस्टिक जो कि मेरे साड़ी को मैच करती है, तो मैं उसके ऊपर लगा रही हूँ ये लिपस्टिक। अच्छे से आप अपनी लिपस्टिक लगा लीजिए। अब मैं लिपस्टिक लगा रही हूँ। तो लगभग मेरा मेकअप अब तैयार है, मैंने सब कुछ लगाया, अपने चोले लगा ली है, अपनी साड़ी, अपना हेयर किया है और मेकअप भी कंप्लीट हो गया है। तो इस प्रकार मैंने ये मेकअप लुक तैयार किया है महाराष्ट्रियन का। और अब मैंने लगा ली है बैंगल और मैंने लगा ली है नथ, क्योंकि नथ के बिना तो तो पूरा नहीं होता महाराष्ट्रियन लुक। तो इस प्रकार मेरा ये महाराष्ट्रियन लुक कंप्लीट है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड कमेंट। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, थैंक यू सो मच।